न्यूज फटाफट पर नजर करिए। राज्य में कमोसमी वरसाद पर हवामान निष्णात परेश गोस्वामी निवेदन, कहूं राज्य वातावरण में पलटो आ 25-27 नवेम्बर सुधी भारे पवन साथ मावठो थवानी शक्यता। मध्य गुजरात और सौराष्ट्र अनेक जिलाओं में 2-3 इंच वरसाद की संभावना, दक्षिण गुजरात और उत्तर गुजरात में सामान्य वरसाद की वकी। कमोसमी वरसाद अंगे कृषि मंत्री राघवजी पटेल निवेदन, कमोसमी वरसाद आवानो ज नथी ए मारी मान्यता, वरसाद पड़े तो पण तमाम तैयारी सरकार की, मार्केटिंग यार्ड में माल न पलड़े ते माटे व्यवस्था करवामां आवी, बिपोरजोय वक्त पर सरकारे सुंदर व्यवस्था करी, तेना माटे तमाम व्यवस्था करी थी जेना कारणे नुकसान नथी थयुं। सूरत जिला में 25-26 अने 27 तारीख सुधी कमोसमी वरसाद पड़े तेवी शक्यता, हवामान विभागे करेली आगाही अंगे सूरत जिलाना खेडूतो चिंता में मुकाया, शाकभाजी शेरडी कपास सहित पाकने नुकसान थशे। बनासकांठा में ढीमा स्पेडा माइनोर केनाल ओवरफ्लो, आसपास खेतरों में पानी फरी वर्ता पाकने नुकसान की आशंका, केनाल में वधु पड़त पानी छोड़ाता लीकेज थयानो खेडूतोनो आरोप, केनाल की साफ सफाई न थती होवानो पण आक्षेप लगाव्यो। राजकोटना भादर बे डेममांथी पाणी छोड़वामां आव्यो, खेडूतोने रवि पाक माटे पाणी मळे ते माटे धारासभ्य कांधल जाडेजाए भादर बे डेम सिंचाई विभागना रूपिया भर्या हता। भादरकांठा विस्तारना धोराजीथी पोरबंदर सुधीना खेडूतोने पाणी मळशे। तमिलनाडुमां छेल्ला 3 दिवसथी भारे वरसाद, चेन्नई सहित जिलाओमां वरसादथी जनजीवन प्रभावित, नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराता लोकोने हालाकी, चेन्नईमां शाळाओमां रजा जाहेर। तमिलनाडुना नीलगिरी में भूस्खलन में 10 लोग फसाया, एनडीआरएफ की टीमें तमाम लोगों रेस्क्यू कर, कुन्नूर जंगल विस्तार में रहता लोग भूस्खलन में फसाया था। वडाप्रधान मोदी कर्नाटक की स्वदेशी फाइटर विमान तेजस की उड़ान भरी, फाइटर पायलट की पाछळनी सीट पर बैसी ने सफर करी, साथ बेंगलुरु में मेक इन इंडिया अंतर्गत बननार मल्टी रोल फाइटर जेट विमानों निर्माण ने मंजूरी आपी। वडाप्रधान मोदीए तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरी, पीएम मोदी ट्विटर पर फोटा शेर कर्या, पीएमनो आगवो अंदाज फोटा में जोवा मळ्यो, स्वदेशी फाइटर प्लेन में उड़ान भरी वडाप्रधाने गर्व अनुभव्यो। आ उड़ान साथ वडाप्रधाने ट्वीट करीने लख्यो कि आपणी मेहनत अने धगस रंग लावी, अत्यंत गर्व साथे कही शकू छू कि भारत आत्मनिर्भरताना क्षेत्रे विश्व में कोई थी ऊणा नथी, भारतीय वायुसेना डीआरडीओ साथे समग्र देशवासीओने हार्दिक शुभकामना। उत्तरकाशी में टनल में फसायेला श्रमिकों ने बाहर काढ़वानो रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, सिलक्यारा सुरंग की टॉच पर पहुंची बचाव टीम, टनल नी ऊपर थी कराशे वर्टिकल ड्रिलिंग। उत्तराखंड उत्तरकाशी में टनल में काटमाड़ बाहर काढ़वामां आव्यो, ओगर मशीन ना क्षतिग्रस्त पार्ट ने टनल में बाहर कढ़ायो, काटमाड़ में अनेक स्थलों लोखंड सड़िया आता मशीन की ब्लेडों ने नुकसान थयुं, तपास काटमाड़ तंत्र निकाल कर्यो। मुख्यप्रधान भूपेन्द्र पटेले अयोध्या में रामलला दर्शन कर्या, अयोध्या एरपोर्ट पर मुख्यप्रधान ने गार्ड ऑफ ऑनर आपवामां आव्यु, सरकार प्रतिनिधिओं सीएम भूपेन्द्र पटेल स्वागत कर्यु, अयोध्या थी मुंबई थईने विदेश प्रवास जवा रवाना थशे मुख्यप्रधान। सूरत में स्नेह मिलन कार्यक्रम में सीआर पाटिल निवेदन, कहूं मने ए बात दुख है कि 182 जगह 156 सीटों आई, थोड़ा मतों माटे 20 सीटों हारी गया, अपने तीजी बार हेट्रिक करवानी छे। पूर्व कैबिनेट मंत्री गणपत वसावा कांग्रेस ने आ पार्टी पर शाब्दिक प्रहार, कहूं कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता ओळखी गई, कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं, कांग्रेस एटले सत्ता प्राप्त करने भेगू थे टोड़ो और शासन प्राप्त थया पछी देश में मोटा मोटा कौभांड कर देश ने लूंटवानो काम कांग्रेसे कर्यु। जूनागढ़ में लीली परिक्रमा तीजा दिवसे भारे भीड़, परिक्रमा रूट पर नळ पाणीनी घोड़ी पासे भीड़, एक स्थल पर 50,000 जेटला भाविको एकत्र थया, एसपी सहित पुलिस काफलाए सराहनीय कामगीरी करी, शांतिपूर्वक भाविको ने भीड़नी पुलिसे रवाना करी हती, लोकोए गुजरात पुलिस जिंदाबाद नारा लगाव्या, 13 लाख भाविको परिक्रमा पूर्ण करे तेवी शक्यता। वडोदरा मनपा आरोग्य विभाग कर्मचारियों की दारू की महफिल वीडियो वायरल, फेब्रुआरी महीना वीडियो हाल वायरल थयो, शियाबाग आरोग्य केन्द्र में कॉन्ट्राक्ट कर्मचारियों दारू पार्टी वीडियो होवानु अनुमान, पोलियो दिवसे बपोरना समय दारू की महफिल योजी थी, विकोश राणा सहित 8 शख्सों दारू की महफिल माणता जणाया हता। राजकोट याज्ञिक रोड की डेजर्ट एंड शेक की ब्रांच पर तपास, आरोग्य विभाग की टीम ने डेजर्ट एंड शेक की शाखा में तपास, डेजर्ट एंड शेक में एक्सपायरी डेटवाड़ू दूध मळ्युं, मनपा आरोग्य विभाग की टीमें 20 लीटर दूध नाश कर्यो।
પાટણના વર્લ્ડ હેરિટેજ રાણકી વાવની ટિકિટમાં કૌભાંડનો આક્ષેપ. જાગૃત નાગરિકે સીએમ અને એસીબીમાં કરી કૌભાંડની ફરિયાદ. જૂની ટિકિટ પર ઊંચા ભાવના સિક્કા મારી વેચી હોવાનો આક્ષેપ. રૂપિયા 5ની જૂની ટિકિટ પર રૂપિયા 400 સિક્કો મરાયો હોવાનો આરોપ. ટિકિટ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા કર્મચારી સામે કાર્યવાહીની માંગ.